हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग पहाड़ी लाइफ स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आया था आज गुच्छी ढूंढने, पर मौसम ने सारा काम ख़राब कर दिया है। जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, पर अभी बगीचे में पहुंचते ही बारिश होना शुरू हो गई है। पहाड़ों में आजकल ऐसा ही है, मौसम बहुत ख़राब रहता है। तो फ्रेंड्स, बारिश होना शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप। आज का मेरा दिन भी ख़राब ही हो गया है, क्यों मैं निकला था आज गुच्छी ढूंढने, पर अभी तक मुझे एक भी गुच्छी नहीं मिली। ऊपर से मौसम ख़राब हो रखा है। चलो वेट करते हैं इसके साफ़ होने का, फिर दिखाते हैं आपको। और देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, जो ये फ्लावर निकले हैं ये हमारे एप्पल के प्लांट के ऊपर निकले हैं। देखिए कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट हो रखा है पूरा। ये देख सकते हैं आप, टाइगर भी मेरे साथ चला रहता है। टाइगर, हेलो टाइगर। ये मेरा सबसे फ्रेंडली डॉग है, मेरे साथ बड़ा मस्त रहता है। ये देख सकते हैं खेलने के मोड में है। टाइगर्स, तो फाइनली फ्रेंड्स थोड़ी बारिश भी कम हो गई है। मैं निकल गया हूँ फिर से गुच्छी ढूंढने, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। अभी मैं बिल्कुल फटाफट से गुच्छों के ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। जो दिखेगी तो ठीक है, नहीं दिखेगी तो चले घर। अभी तक मुझे ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली एक गुच्छी के दर्शन हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी गुच्छी है। फटाफट से और भी ढूंढ लेते हैं, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स एक इतनी बड़ी गुच्छी नज़र आई है, ये देख सकते हैं आप। अरे कहाँ गई, छुप गई, दूर से तो दिखाई दी थी पर अभी यहाँ आके गुच्छी छुप गई है, नज़र ही नहीं आ रही कहाँ गई। बहुत बड़ी गुच्छी है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये वाली। ये गुच्छी और दिखी है यहाँ, ये देखिए आप, नई गुच्छियाँ निकली है। जैसे जैसे बारिश होती रहेगी गुच्छियाँ फटती रहती हैं। देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे सबसे बड़ी गुच्छी मिली है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी है। तो फ्रेंड्स एक और गुच्छी दिखी है, ये देखिए एक तो पहले मिली थी, एक अभी एक देखिए और यहाँ है बहुत ही बड़ी। मज़ा आ गया गुच्छी ढूंढ के। इसलिए फ्रेंड कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, एक और गुच्छी दिखी है,
ये देखिए काफ़ी साइज में भी काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, हमें ऐसी ऐसी जगहों पे कुछ ढूंढनी पड़ती है। घास भी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसमें ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक गुच्छे को पाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके गुच्छी मिलती है। देख सकते हैं आप, कहीं नज़र नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, पर अभी तक एक भी गुच्छी नज़र नहीं आई है। जो मिली वो पहले मिली थी, पर अभी यहाँ देखिए ये गुच्छी फिर दिखी है। ये देखिए एक यहाँ, ये भी काफ़ी बड़ी गुच्छी है, देख सकते हैं आप। और एक फ्रेंड्स यहाँ छुपी है ऊपर, देख सकते हैं आप घास के बीच। यहाँ ये भी फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी गुच्छी है, अगर इस साइज की गुच्छियाँ मिलती है तो दिल बहुत ही खुश हो जाता है, ढूंढने का भी मज़ा आता है और थकान भी महसूस नहीं होती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक और गुच्छी नज़र आई है। ये भी ठीक साइज की है। फाइनली फ्रेंड्स, गुच्छियाँ ढूंढ के मैं फारिक हो गया हूँ, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, बारिश हो रही है, इसलिए मैं भी अब फटाफट से निकल जाता हूँ अपने घर। ये देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ दौड़ रहा हूँ, कह को बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं आप, अभी मुझे वहाँ से ऊपर जाना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। थैंक यू।